जो मंदिर और अपराधी का ढिढोरा पीट रहे हैं उनके बारे में तो पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जान चुका है क्या स्थिति है। जो जहां मौत का तांडव मचा हुआ था, जहां लोग एम्बुलेंस बिना दम तोड़ दे रहे थे, गरीब लोगों को एम्बुलेंस जुट नहीं रही थी, दो दो तीन तीन किलोमीटर का दस दस हजार रुपया भाड़ा वसूला जा रहा था, उस समय ये जो भाषण दे रहे हैं इनकी मानवता कहाँ गई थी? इनकी मानवता कहाँ गई थी? ये बताएंगे क्यों एम्बुलेंस वहां रखे हुए थे, क्यों नहीं गरीब लोगों को दिए? हैं कि इनके इनके कारण कितने लोगों कितने कितने लोग मर गए एम्बुलेंस के कारण, ये जवाब देंगे? क्या इन पर 302 का मुकदमा नहीं होना चाहिए? जनता मांग रही है, बिहार की जनता मांग रही है, देश की जनता मांग रही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए और जांच किया जाए कि इस एम्बुलेंस कांड के पीछे जितने भी अधिकारी हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए कि किनके किनके मिलीभगत से एम्बुलेंस यहाँ पर थी और किसी को जानकारी तक नहीं थी, और छपरा के जितने भी जनता थे, सारण के जनता थे, ये सब एम्बुलेंस बिना त्राही त्राही मान कर रहे थे और एम्बुलेंस इन्होंने छिपा कर रहे। इससे भी ज्यादा और क्या हो सकता है? जिनको थोड़ी सी भी मानवता का सोच नहीं हो सकता है, और वो बताते हैं मंदिर और अपराधी हैं। पहले अपने 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 चेहरे को शीशे में झांक के देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आप में लगा हुआ है, ये भी तो सोचते? जनता के प्रतिनिधि हैं आप, जनता के बारे में भी तो सोचते? जो आपके वहाँ जो आपके लोकसभा क्षेत्र से जिन्होंने वोट दिया है उनके लिए तो एम्बुलेंस छोड़ देते कम से कम। दूसरे को कहने से पहले खुद शीशा में झांक कर देख लीजिए, पूरे बिहार समेत पूरे देश ये जानता है कि आपने क्या किया है और इसकी सजा भी क्या होगी, और जनता आपको जवाब देगी। आज आप कुछ भी कहें जनता मानने वाली नहीं है, आपके झांसे में आने वाली नहीं है। आप लोगों ने बहुत झूठ बोला और झूठ बोल बोल के जनता को ठगा है, सब जनता देख लिया, जनता जवाब देगी। चलिए।